देखिए ये चार केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया था। बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रिजर्वेशंस थी उसको एड्रेस नहीं किया गया है। बेसिकली ये था कि हमारे सारे केसेस जिसमें रिकाउंटिंग का इशू नहीं था, बेसिकली यही था कि जो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन आई है तो हमारे वैलिड वोट को इनवैलिड करके फिर उनको दूसरे पार्टी से माइनस करके हमारे 1,34,000 से कम करके 1,20,000 तक है। अब दो केसेस जो कौमी असम्बली के थे वो अलग थे, उसमें नोटिफिकेशन पहले से इशू हुआ था। ये एहसान वेल्क साहब की जो केस है ये गुजरांवाला वाला है, इसमें सिर्फ नोटिस ही आया था। अब पहले दिन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद, मेन काउंसिल अब्रॉड गया हुआ था, तो आज हमने रिक्वेस्ट की है कि इसकी हियरिंग मंडे के लिए हो, तो मंडे को इंशाल्लाह ताला इसकी हियरिंग होगी। इलेक्शन कमीशन पे हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है, बावजूद इस रिजर्वेशन के हम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। ये भी ऑर्डर अगर पास होना है तो जुडिशल ऑर्डर पास होना है, विद रीजन पास होना है। हम इलेक्शन कमीशन से फिर भी ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी ये भी इस्तेदा करेंगे कि जिस बंदे ने कभी दरखास्त पहले दी नहीं थी, उनको कोई इशू था नहीं, फॉर्म 45 सारे वजह हुए थे, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, उनके वैलिड इनवैलिड वोट उसमें रिकॉर्डेड है, फॉर्म 47 प्रॉपरली इशू हुआ था, उसके बाद कौन सी ऐसी बात आ गई है कि आप उनको कहेंगे मैं रिकाउंट करता हूं। पहले की आप उसकी मिसालें उठा ले, वो रिकाउंटिंग ऐसे करते हैं कि हमारे वैलिड वोट को रिजेक्ट करके कहता है आपके इतने वोट कम निकले और दूसरे के ज्यादा निकले। अच्छा सर, देखिए ये चार केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया था। बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रिजर्वेशंस थी उसको एड्रेस नहीं किया गया है। बेसिकली ये था कि हमारे सारे केसेस जिसमें रिकाउंटिंग का इशू नहीं था, बेसिकली यही था कि जो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन आई है तो हमारे वैलिड वोट को इनवैलिड करके फिर उनको दूसरे पार्टी से माइनस करके हमारे 1,34,000 से कम करके 1,20,000 तक है। अब दो केसेस जो कौमी असम्बली के थे वो अलग थे, उसमें नोटिफिकेशन पहले से इशू हुआ था। ये एहसान वेल्क साहब की जो केस है ये गुजरांवाला वाला है, इसमें सिर्फ नोटिस ही आया था। अब पहले दिन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद, मेन काउंसिल अब्रॉड गया हुआ था, तो आज हमने रिक्वेस्ट की है कि इसकी हियरिंग मंडे के लिए हो, तो मंडे को इंशाल्लाह ताला इसकी हियरिंग होगी। इलेक्शन कमीशन पे हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है, बावजूद इस रिजर्वेशन के हम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। ये भी ऑर्डर अगर पास होना है तो जुडिशल ऑर्डर पास होना है, विद रीजन पास होना है। हम इलेक्शन कमीशन से फिर भी ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी ये भी इस्तेदा करेंगे कि जिस बंदे ने कभी दरखास्त पहले दी नहीं थी, उनको कोई इशू था नहीं, फॉर्म 45 सारे वजह हुए थे, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, उनके वैलिड इनवैलिड वोट उसमें रिकॉर्डेड है, फॉर्म 47 प्रॉपरली इशू हुआ था, उसके बाद कौन सी ऐसी बात आ गई है कि आप उनको कहेंगे मैं रिकाउंट करता हूं। पहले की आप उसकी मिसालें उठा ले, वो रिकाउंटिंग ऐसे करते हैं कि हमारे वैलिड वोट को रिजेक्ट करके कहता है आपके इतने वोट कम निकले और दूसरे के ज्यादा निकले। अच्छा सर, देखिए ये चार केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया था। बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रिजर्वेशंस थी उसको एड्रेस नहीं किया गया है। बेसिकली ये था कि हमारे सारे केसेस जिसमें रिकाउंटिंग का इशू नहीं था, बेसिकली यही था कि जो रिकाउंटिंग